आज सीएम नायब सैनी ने कई अहम मीटिंग की हैं। इसमें जिला अध्यक्षों के साथ साथ कई अहम मीटिंग आज की गई हैं, जिसमें चेयरमैन के साथ भी मीटिंग हुई है। चेयरमैन से जनहित के कामों में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। तो आज लगातार कई बैठकें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई, जिसमें जिला अध्यक्षों के साथ पहली मीटिंग हुई और उसके बाद चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें जनहित के जो काम है उसमें और तेजी लाई जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। और काम को लेकर के जनता में मैसेज अच्छा जाना चाहिए, सीएम की ओर से ये भी निर्देशित किया गया है। ग्रीवेंस मीटिंग में समस्याओं को दूर करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। चंडीगढ़ से आज कई मीटिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई है, जिसमें जिलाध्यक्षों के साथ पहले बैठक हुई है, उसके बाद चेयरमैन के साथ मीटिंग की गई, जिसमें कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बलदेव सिंह गरोहा और हरियाणा सरस्वती बोर्ड के चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद है। पहले चेयरमैन साहब से बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री की ओर से बैठकें बुलाई गई थी, बीजेपी के जिला प्रेसिडेंट की और चेयरमैन की भी, क्या कुछ इस बैठक के अंदर रहा? आप चेयरमैन के तौर पर उस बैठक के अंदर गए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री, जब से बागडोर इन्होंने संभाली है बहुत अच्छा करी है, बहुत स्पीड अपनी तरफ से, क्योंकि चुनाव सर पर है, उसको लेकर आज सभी बैठकें ये यहाँ पर बुलाई थी, जिसमें प्रदेश के लोग भी थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी थे, सभी चेयरमैन थे, जिलाध्यक्ष थे। तो मुख्य एजेंडा तो ये है कि सभी चेयरमैन से पूछा कि आपका क्या क्या अभी तक आपने किया है और क्या आपका नेक्स्ट रोड मैप रहने वाला है, यानी कि आप किस अच्छे ढंग से जनता से जुड़े हुए, जनता से ऐसे कार्य करें जो कि जनता को अच्छा लगे और एक सेवा भाव से जो हमारी पार्टी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक भाव रहता है, उसके नाते आप लोग काम करें, ताकि जनता इस आने वाले चुनाव में दोबारा से फिर से तीसरी बार हमारी जो सरकार है हरियाणा में बनाए, इसको लेकर सारा रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, अब तक क्या कुछ कार्य जो है आप चेयरमैन के तौर पर कर चुके हैं, क्या आगे क्या आपका प्लान है? देखिए बिल्कुल, आप हमारे जो बोर्ड है सरस्वती बोर्ड, वो एक नदी को रिजुवनेट करने के लिए बनाया था, सरस्वती नदी को, क्योंकि हमारे क्षेत्र से सरस्वती पहले युगों युगों से बहती रही है, लेकिन 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि कुछ टेक्टोनिक घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से सरस्वती का जो पानी है, वो जो बहाव क्षेत्र था वो ऊपर उठ गया और उसकी वजह से पानी सरस्वती में कम आना हो गया। तो माननीय मनोहर लाल जी पहले हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरस्वती बोर्ड का गठन किया था और सरस्वती बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री चेयरमैन है और मैं उनके साथ डिप्टी चेयरमैन हूँ। हमारा उद्देश्य सरस्वती में पानी चलाना है और उसमें हम बहुत लगभग कामयाब हुए हैं। लगभग 2021 से पहले, अगर 15 से पहले तो बात करूं, किसी को ये भी नहीं पता था कि ये सरस्वती है। तो ये धन्य है ये सरकार जिन्होंने ये कहा कि हाँ हम सरस्वती को चलाएंगे, और आज हम लगभग 7 से 8 महीने सरस्वती में पानी चलाते हैं। लगभग 380 किलोमीटर में पानी सरस्वती में चल रहा है। हमारा अब टारगेट जो है कि हम 12 मासी सरस्वती में पानी चलाएं, उसको लेकर उस प्रोजेक्ट पर हम पूरे अच्छे ढंग से लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बलदेव गरोहा जी है। सर, आज जिस तरीके से दूसरी बार आप यहाँ आए, इससे पहले भी बैठक की थी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समीक्षा बैठक, अब विधानसभा चुनाव भी 2-2.5 महीने बाद हरियाणा में होने वाला है, तो क्या कुछ वो मुद्दे थे, क्या कुछ मंथन किया गया? आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज सभी जिलाध्यक्षों और प्रभारियों की हरियाणा प्रदेश की बैठक हुई है। उस बैठक में जिलाध्यक्षों में, खास करके प्रभारियों में एनर्जी भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ताकि त्रिदेव तक और हम तो उससे नीचे भी पन्ना प्रमुख तक हम पहुँचे हुए हैं, उनकी बैठकें लेकर के आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करके तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहे, ये सूत्र मंत्र हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और सभी जिलाध्यक्ष अच्छे मूड में ऐसे एनर्जी लेकर के भर करके भेजे हैं। आप देखना जा करके आपको सब कुछ चेंज लगेगा, जो लोग जैसे जो जुगाड़ बना करके उन्होंने जो पेश करने की कोशिश की थी, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बिखरना शुरू हो चुका है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई बात हुई है? विधानसभा में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रेवेशन सुनने का, हमारे उपायुक्त माध्यम से, एसपी माध्यम से, सारे सभी जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनको कहा भी किसी भी ग्रेवेशन आती है तो उसको वहीं समाधान किया जाए, और जिसका कोई एक दो उसका अच्छा रिजल्ट भी आप देखेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप पता करोगे तो अच्छा उसमें वो आ रहा है।
बातचीत करने के लिए। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बलदेव सिंह गरोहा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है बातचीत मुख्यमंत्री से हुई है, साथ ही साथ विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है मंथन बैठक के अंदर किया गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ।